ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगरच्या गोल मैदानातील व्हॉलीबॉल मैदानावर उल्हासनगर महापालिकेने 7 दिवसांसाठी फटाके विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु या मैदानावर फटाके विक्री न करता पर्यायी जागा देण्यात यावी अशी मागणी व्हॉलीबॉल खेळाडू आणि नगरसेवकांनी केली होती. यावेळी त्यांनी जोरदार विरोधही दर्शवलाय. या विरोधानंतर फटाके विक्रेत्यांनी व्हॉलीबॉल मैदानावर येऊन खेळाडू आणि नगरसेवकांना हात जोडून विनंती केली आहे. कोणीही विरोध करू नये, आम्ही फक्त 7 दिवसांसाठी फटाके विक्री करणार आहोत, कर्ज काढून हा व्यवसाय करत असल्याचं सांगण्यात आलंय. काय म्हणालेत फटाके विक्रेते ऐकूयात. मैदान से पिछले 24 सालों से फटाकों का धंधा करते हैं. रिटेल बेसिस पे रेंज की धंधा जो रहता है, 24 सालों से हमारा बाजार लगता आ रहा है. इस बार भी हर साल की तरह हमने जिस मैदान पे हमारा धंधा होता था वहीं की एप्लीकेशन हमने डाली. तो म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर ने हमको लेटर दे दिया कि वहाँ आपका काम नहीं हो सकता है, तो आपको कोई ना कोई अल्टरनेट हम देते हैं. कमिश्नर साहब का, टाउन प्लानर का विजिट हुआ, वहाँ पे ये तय हुआ कि वॉलीबॉल मैदान आपको दिया जाता है जहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता है. हालांकि वॉलीबॉल मैदान ही है नहीं, खेला जाता है जहाँ पे. हमने बाड़ा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, हमारी कैपेसिटी नहीं थी तो हमने कहीं से पैसा जोड़ के, क्योंकि सब मिडिल क्लास वाले हैं, कोई ड्राइवर है, कोई भाजी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई इतने हम श्रीमंत नहीं है, तो कहीं ना कहीं से पैसा जोड़ के हमने ठीक है म्युनिसिपैलिटी में पैसा भरा, परमिशन हो गई, हर एक बात हो गई. दो दो तीन तीन कमिश्नर जो रहते हैं, अतिरिक्त कमिश्नर, चीफ कमिश्नर जो रहते हैं, सबने साइन किया. टाउन प्लानर आए, विजिट करके गए. उसके बाद कल पता चलता है तो यहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया है कि यहाँ पे फटाका बाजार नहीं लगना चाहिए. अभी ऐसा कानून है कि खेल का मैदान होते हुए भी, पब्लिक प्रॉपर्टी होते हुए भी यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का भी कुछ अधिकार है, नगर पालिका भी कोई अधिकार है. उनका नियम है कि साल में 45 दिन मेले वाले को कोई बाजार लगना हो, कोई सत्संग होना हो या कोई नेता की पब्लिक मीटिंग हो, उनके मिला के हम 45 दिन तक हम दे सकते हैं. उन्हीं नियमों के अनुसार उनके नियमों के मुताबिक हमारा फटाका बाजार सेंक्शन हुआ है 7 दिन के लिए, केवल 7 दिन के लिए. उसके बाद भी कल विरोध किया गया तो विरोध करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि सब नियमानुसार हुआ है, कायदे से हुआ है. कमिश्नर साहब विजिट करके गए, टाउन प्लानर विजिट करके गए, माल मत्ता के अधिकारी विजिट करके गए. अभी हमको चिंता ये सता रही है कि हम लोगों ने सब ब्याज पे पैसा लिया है, किसने सोना रखा है, किसने क्या कैसे करके माल लिया हुआ है. म्युनिसिपैलिटी में 36,000 प्रति गाले का पावती फाड़ा हुआ है. अभी यहाँ पे अगर विरोध होते रहेंगे और शांति से धंधा नहीं होता रहेगा, हम गरीबों का नुकसान हो जाएगा. आपको पर्याय जगह देने के मतलब जो बोल रहे हैं, तो पर्याय जगह यही दिया है. पहले हमारा फटाका बाजार पानी के टाके के नीचे लगा था, किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे बाजार हमारा नहीं लग पाया. कमिश्नर साहब ने बोला वो पानी का टांकी छोड़ो, मैं आपको छत के साथ देता हूँ, अच्छा मैदान देता हूँ, वॉलीबॉल कोर्ट फोर्ट के इधर. हमने बोला ठीक है, थोड़ा धंधे को फर्क पड़ेगा लेकिन चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है. यहाँ से अगर दूर कहीं जाएंगे तो फिर तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, सबके माल बच जाएंगे. गरीब लोगों, सब गरीब है, सब लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में लो मिडिल क्लास. ऐसे में अर्चन डाल रहे हैं कुछ लोग विरोध कर रहे हैं. विरोध करने का कोई भी कारण है, वो भी हमारे शहरवासी है. हम भी उनको ये कहना चाहते हैं, जो भी हुआ है नियम अनुसार हुआ है, कायदे अनुसार हुआ है. हमको VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है और ना ही आउट ऑफ द वे गाले पास हुए हैं. जो होना चाहिए वो ही हुआ है. 45 दिन का नगर पालिका को देने का अधिकार है, उन्होंने अपना अधिकार का उपयोग किया है, उसी हिसाब से हमारे गाले पास हुए हैं. ये कोई इलीगल मार्केट नहीं है, इलीगल बाजार नहीं, हमारा जबरन ट्रेस पास नहीं है. विजिट किया था कल जमीन मेघरेकर आए थे विजिट करने के लिए, उसने आके देखा भाई हमको जो ग्राउंड यहाँ मिला है फटाको बाजारों के लिए 7 दिन के लिए, तो वॉलीबॉल वालों ने जो यहाँ बैठे थे उन लोगों ने विरोध किया भाई यहाँ फटाके का बाजार नहीं लगेगा, जहाँ आपका पहला लगने का था वहीं जाके लगेगा. तो वहाँ ये बार जगह का कुछ इशू आ गया है उधर, तो वहाँ हमारे को लगाने नहीं दे रहे. अभी हम सब गरीब लोग हैं, उसमें से कुछ नगर सेवक भी यहाँ पर थे, और नगर सेवक को मैंने हाथ जोड़ के विनती किया और वॉलीबॉल वालों को हाथ जोड़ के विनती किया, ये सब गरीब लोग का बाजार है और नहीं 7 दिन के लिए बाजार है खाली, तो हमको सहयोग करो. उसमें से मैं खुद अपनी औरत का 2 बंगड़ी गिरवी रख के बाइक पे पैसा लेके मैंने माल लेके आया हूँ, और माल मैंने लेके कल उसका मैं बिल भी दिखाया,
भाई कौन से दुकानदार से मैं ये माल लेके आया हूँ, सब उसको मैं समझाया, पर ये लोग तभी भी ये लोग हमारे ऊपर कुछ बात मानने को तैयार नहीं है, तो हम गरीब लोग किधर जाएंगे। सब लोग विजिट करके गए थे, पहला महानगर पालिका भी अधिकारी लोग आए थे विजिट करके गए थे, अभी धंधा तो यहीं करना है गरीब लोगों को, कहाँ जाएंगे हम लोग। गए बार दिवाली के दिन भी बरसात गिरा था तो गरीब लोग का हम लोग का सब लोग का माल बच गया था। अभी जैसे मैं हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, जैसे ये भाई है मेरा इटली का धंधा करता है, ये ड्राइवर है, तो कैसा होएगा, सब लोग गरीब लोग है, कोई बड़े तख्ते वाला इसमें है नहीं, और खाली बात है 7 दिन का और ज्यादा तो है नहीं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे 7 दिन के लिए गाला लगाने के लिए परमिशन मिल गया है, उसका विरोध नहीं करें, क्योंकि क्योंकि पूरा साल मैदान आपका है, हम 365 दिन में से सिर्फ 7 दिन गाला लगाएंगे, 358 दिन वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं, हमें उनसे कोई तकलीफ ही नहीं है, सिर्फ 7 दिन दिवाली का हमारा बिजनेस है, 7 दिन के बाद हम यहाँ पे आएंगे भी नहीं। हाँ, और हम हर साल लगाते हैं 24 साल से यहाँ पे ही बिजनेस चल रहा है हमारा। ओला, हम भी उल्लासनगर के रहवासी है, हम लोग यहाँ पे धंधा नहीं करेंगे तो कहाँ बाहर थोड़ी जाएंगे धंधा करने, सब आजू बाजू के रहने वाले हम यहाँ पे। नियम के अनुसार हमें ओपन ग्राउंड पे परमिशन मिलना चाहिए, हमने महानगर पर सब कार्रवाई करके प्रोसीजर फॉलो कर, हमने ओपन ग्राउंड पे परमिशन लिया है, तो उल्लासनगर में और कोई ओपन ग्राउंड तक अवेलेबल नहीं है हमारे लिए कि हम अल्टरनेट वहाँ पे जाके धंधा कर सके, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कोई विरोध ना करे सबसे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।